तो मनोहर सरकार पार्ट टू की नई सेना तैयार हो गई है। 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। कुल मिलाकर 10 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कैसा है मनोहर लाल का कैबिनेट, देखिए रिपोर्ट। सरकार बनने के 17 दिन बाद मनोहर सरकार पार्ट टू की सेना तैयार हो गई है। काफी मंथन और बैठकों के दौर के बाद मनोहर सेना पर आलाकमान की मोहर लगी। मनोहर कैबिनेट के मंत्रियों ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि मनोहर कैबिनेट में 10 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। चलिए आपको बताते हैं मनोहर सेना के वो मंत्री जो आपके क्षेत्र और प्रदेश के विकास के लिए चुने गए हैं। सबसे पहले अनिल विज बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और अम्बाला कैंट से लगातार 3री बार विधायक चुने गए। मनोहर सरकार पार्ट 1 में भी कैबिनेट मंत्री बने थे। मनोहर सरकार पार्ट 2 में भी अनिल विज को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दूसरा नाम आता है कंवर पाल गुर्जर का। मनोहर सरकार पार्ट 1 में स्पीकर रह चुके गुर्जर जगाधरी से बीजेपी विधायक है। कंवर पाल गुर्जर साल 2000 में पहली बार विधायक बने थे। ये 3री बार है जब गुर्जर विधायक बने हैं। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक हैं। मूलचंद शर्मा 2014 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे और 2019 में मूलचंद शर्मा लगातार 2री बार विधायक बने हैं। फरीदाबाद जिले से 2019 में मंत्री बनने वाले अकेले विधायक हैं मूलचंद शर्मा। रणजीत सिंह चौटाला रानिया से निर्दलीय विधायक हैं। रणजीत सिंह 1987 में पहली बार विधायक बने थे और 87 में चौधरी देवीलाल सरकार में मंत्री भी बने। रणजीत सिंह 31 साल बाद फिर से विधायक बने हैं। रणजीत सिंह ने कांग्रेस से टिकट कटने के बाद निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। आपको बता दें कि रणजीत सिंह जननायक जनता पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला के चाचा हैं। अब नाम आता है जयप्रकाश दलाल का। जयप्रकाश दलाल भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा से पहली बार बीजेपी से विधायक बने। जेपी दलाल एक जाट चेहरा है। बीजेपी का एक और बड़ा नाम डॉक्टर बनवारी लाल बावल से विधायक हैं और बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक चुने गए। मनोहर सरकार पार्ट 1 में राज्य मंत्री रह चुके हैं और इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये तो हुए मनोहर के कैबिनेट मंत्री। अब बारी आती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। मनोहर सरकार में 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया। सबसे पहले बात ओम प्रकाश यादव की। ओम प्रकाश यादव महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। ओम प्रकाश 2री बार विधायक बने हैं। इससे पहले 2014 में भी विधायक चुने गए थे। अब बात करते हैं मनोहर कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री कमलेश ढांडा की। कमलेश ढांडा कलायत विधानसभा से बीजेपी की विधायक है। 53 साल में पहली बार कलायत में कमल खिला, इसका श्रेय कमलेश ढांडा को जाता है। ये वजह है कि कमलेश ढांडा को मनोहर कैबिनेट में जगह मिली। अनूप धानक ओकलाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं। 2009 में पहली बार इनेलो के विधायक चुने गए थे। जजपा बनने के बाद इनेलो छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए। अनूप धानक ओकलाना से 2री बार विधायक बने। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, पहली बार विधायक बने। संदीप सिंह पेहवा से विधायक हैं। 2019 में राजनीति में कदम रखा, पहली बार विधायक बने और राज्य मंत्री बनाए गए। ये है मनोहर सरकार पार्ट 2 के मंत्री जिनके जिम्मे क्षेत्र का विकास होगा। सीएम और डिप्टी सीएम को मिलाकर कुल 12 मंत्री मनोहर कैबिनेट में है। यूं तो कुल 14 मंत्री हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में विस्तार कर इस संख्या को पूरा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।